गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो टुडे टॉपिक इज अबाउट डिस्कस बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ बीन और हेलो ब्लाइट ऑफ बीन। देखिए इस डिजीज को बैक्टीरियल ब्लाइट भी कहते हैं या हेलो ब्लाइट ऑफ बीन के भी नाम से जानते हैं, राइट। तो हम सबसे पहले देखते हैं काजल ऑर्गेनिज्म कि बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ बीन। देखिए बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ बीन काजल ऑर्गेनिज्म जैंथोमोनास कैंपेस्ट्रिस पैथवार फैसिलोई, ठीक है। जैंथोमोनास कैंपेस्ट्रिस पैथवार जिसको हम कहते हैं पीवी, इसको पैथवार हमने यहां पर लिख दिया, पैथवार को पीवी भी लिखा जाता है, पैथवार फैसिलोई या फिर जैंथोमोनास एथनोपोडिस पीवी फैसिलोई, कई नामों से इसको हम जानते हैं, राइट। सो उसके बाद अगर हालो बीन के नाम से जानते हैं हालो ब्लाइट ऑफ बीन, तो उसका काजल ऑर्गेनिज्म है सीडोमोनास श्रृंगे या पैथवार फैसिलिकोला। तो इसको दोनों नाम से डिजीज जानी जाती है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ बीन के भी नाम से जानी जाती है, हेलो ब्लाइट ऑफ बीन के भी नाम से डिजीज जानी जाती है, या फिर आप उसको जैंथोमोनास कैंपेस्ट्रिस पैथवार पीवी फैसिलोई लिख सकते हैं या जैंथोमोनास एक्सनोपोडिस पैथवार फैसिलोई लिख सकते हैं, सीडोमोनास श्रृंगे पैथवार फैसिलिकोला लिख सकते हैं, तीनों सही अपने अपने स्थान पे, राइट। अब होस्ट प्लांट किस किस प्लांट में डिजीज ग्रो करता है, बैक्टीरियल ब्लाइट किस किस प्लांट में लगता है। देखिए बैक्टीरियल ब्लाइट बहुत सारे प्लांट में लगता है, जनरली बैक्टीरियल ब्लाइट आप पैडी लगता है, गुआवा में बैक्टीरियल ब्लाइट लगता है, पोमेग्रेनेट में लगता है, हमने सारी डिजीज पढ़ा चुका है, कुछ हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम लिख दिया है कि उसे जो संबंधित है बीन से संबंधित है, जैसे फ्रेंच बीन में डिजीज दिखाई देती है, रनर बीन पी गार्डन लुपिन काउ पी एंड मूंग बीन इत्यादि क्रॉप में बैक्टीरियल ब्लाइट से इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर फैलता है और उस सबका काजल ऑर्गेनिज्म करीब करीब यही है जैंथोमोनास कैंपेस्ट्रिस पीवी फैसिलोई, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पाई जाती है डिजीज, देखिए जहां जहां भी खेती होती है, चाहे वो देश हो प्रदेश हो या विश्व के डिफरेंट कंट्री हो, जहां जहां भी इसकी खेती होती है हर जगह इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया है। तो जनरली हमने लिख दिया है कि देयर आर वाइड स्प्रेड ऑफ द बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ बीन अफेक्टेड इन मेनी कंट्रीज एंड स्टेट, बहुत सारे देशों में जहां जहां भी जिस जिस देश में जिस जिस कंट्री में बैक्टीरियल ब्लाइट और जिस कंट्री में बीन की खेती होती होगी वहां पे इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया है। अपने देश में यूपी एमपी बिहार छत्तीसगढ़ राजस्थान इत्यादि स्टेटों में इस डिजीज को बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया गया है। सिस्टमेटिक पोजीशन डोमिन बैक्टीरिया फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया क्लास गामा प्रोटियोबैक्टीरिया ऑर्डर जैंथोमोनाडिएल्स फैमिली जैंथोमोनाडिएसी जीनस जैंथोमोनास स्पीशीज एक्सनोपोडिस पीवी फैसिलोई, लिख सकते हैं आराम से डोमिन बैक्टीरिया फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया क्लास गामा प्रोटियोबैक्टीरिया ऑर्डर जैंथोमोनाडिएस फैमिली जैंथोमोनाडिएसी जीनस जैंथोमोनास स्पीशीज कैंपेस्ट्रिस एक्सनोपोडिस कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। सिम्टम्स कैसे बनते हैं, देखिए पत्तियों में भी सिम्टम बनते हैं, लिप्स में भी बनते हैं और स्टेम भी बनते हैं, तीनों पे सिम्टम दिखाई देता है। तो द स्टेम लिप्स एंड फ्रूट्स ऑफ बीन प्लांट कैन बी इन्फेक्टेड बाय आइदर डिजीज, इस डिजीज के द्वारा इसे संबंधित जो बैक्टीरियल ब्लाइट है उससे संबंधित जो भी डिजीज है उसके द्वारा स्टेम पे भी सिम्टम दिखाई देता है, पत्तियों पे भी दिखाई देते हैं और फ्रूट्स पे दिखाई देते हैं। सिम्टम कैसे बनता है, लाइट ग्रीन येलो सर्कुलर दैट लुक लाइक हालो फ्रॉम अराउंड ब्राउन स्पॉट ऑन द प्लांट, लाइट ग्रीन कलर के स्पॉट छोटे छोटे स्पॉट पत्तियों पे दिखाई देते हैं। जैसे ये आपकी जनरली जगह तो नहीं आप पढ़ रहा है, जैसे आपकी ये लीफ है,
लीफ के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट, इस तरह स्पॉट पत्तियों पे भी, फ्रूट्स पे भी, स्टेम पे भी दिखाई देते हैं, और स्पॉट लाइट कलर चमकते हैं, ब्लैक और हल्का सा ब्राउन कलर लिए रहते हैं। तो उसी को हमने लिखा है कि लाइट ग्रीन येलो सर्कुलर दैट लुक लाइक हालो फ्रॉम अराउंड ब्राउन स्पॉट ऑन द प्लांट विथ एज द लीजन में ज्वाइंट टूगेदर एज द लीफ टर्न येलो एंड स्लोली डाई। ये सिम्टम आपस में छोटे छोटे स्पॉट जब क्लस करते हैं तो सिम्टम क्लस करने के बाद बड़ा दिखाई देने लगता है और कैसे दिखाई देते हैं, ब्राउन स्पॉट दिखाई देने लगता है। स्टेम लीजन अपियर ऑन द लॉन्ग रेडिश स्पॉट, और स्टेम पे लॉन्ग जिस तरह रेडिश स्पॉट छोटे छोटे रेडिश स्पॉट की तरह उसके सिम्टम दिखाई देते हैं, राइट। इटियोलॉजी में आपको बैक्टीरिया के बारे में लिखना है, थोड़ा सा बैक्टीरिया और देखिए, द कॉलोनी आर स्मूथ, जो किस पे उगाया जाता है, कॉलोनी कहती है स्मूथ सर्कुलर पल येलो टू लाइट येलो इन कलर। द बैक्टीरिया इज ए ग्राम नेगेटिव रॉड शेप मोटाइल विथ सिंगल पोलर फ्लैजिलम। बैक्टीरिया जो होता है इधर ग्राम नेगेटिव होगा, रॉड शेप होगा और वन फ्लैजिला वन इन इस तरह होता है कि आप इस तरह देख सकते हैं कि जैसे बैक्टीरिया है रॉड शेप और फ्लैजिला इस तरह लगा होता है, इस तरह के हम कहते हैं कि मोनोट्राइकस, कि वन फ्लैजिला वन एंड, और पत्तियों में जो सिम्टम बनते हैं वो इस तरह बनते हैं, राइट। अब आगे चलिए, तो अधिकतर जो बैक्टीरिया डिजीज काज करता है कैसा होता है, ग्राम निगेटिव होता है, बात समझ में आ रही है। नेचर ऑफ डिजीज सीड एंड सॉल बॉर्न होता है, जब सिम्टम बड़े पैमाने फैलेंगे तो सॉल में भी इसको उसकी बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं और सीड में, इसलिए नेचर ऑफ डिजीज होता है सीड एंड सॉल बॉर्न। नेचर ऑफ पैथोजन जनरली पैरासाइट, बैक्टीरिया कैसा होता है, पैरासाइट होता है, दूसरे से भोजन लेता है, अदर पे डिपेंड रहता है, उसको हम जनरली पैरासाइट कहते हैं। इसलिए बार बार कहता है कि अगर सीड में दिखाई दे तो सीड ट्रीटमेंट करिए, सॉइल में इंफेक्टेड प्लांट मटेरियल लीव गिरते हैं उसको आप साफ करिए, क्योंकि जो स्पोर होते हैं या बैक्टीरिया होता है उसी रॉ मटेरियल पे डेब्रिस पे प्लांट डेब्रिस पे ही सर्वाइव करता है, बाद में सॉइल में मिल जाता है नेक्स्ट ईयर में, जब आप क्रॉप बाई करेंगे फिर उसका इन्फेक्शन शुरू होता है पत्तियों पे फ्रूट्स पे लीव पे दिखाई देने लगता है। तो नेचर ऑफ डिजीज सीड एंड सॉइल बॉर्न, नेचर ऑफ पैथोजन जनरली पैरासाइट। इपिडेमोलॉजी या डिजीज साइकिल, इन वार्म ह्यूमिड वेदर गर्म मौसम हो हल्का सा ह्यूमिड हो सेकेंड विथ रेन एंड टेम्परेचर 28 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 63 टू 87% रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, एबव होना चाहिए 63 से 87% सही होना चाहिए, टेम्परेचर 28 से 32 के बीच में होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, तो उस समय डिजीज बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। तो विथ रेन एंड टेम्परेचर ऑफ 28 टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 63 टू 87% फेवर द डिजीज डेवलपमेंट। अब इसको कंट्रोल करना है, पहला है कि सिलेक्शन ऑफ द हेल्दी सीड, हमेशा एक अच्छे बीज का चयन करना चाहिए, उसको आप पहला पॉइंट लिखें सिलेक्शन ऑफ द हेल्दी सीड्स। नंबर टू क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलो, दूसरा नंबर पर लिखिए क्रॉप रोटेशन को जरूर अपनाना चाहिए। तीसरा फील्ड सैनिटेशन को करना चाहिए, खेत की सफाई करना चाहिए, या इन्फेक्टेड प्लांट्स आर कलेक्टेड एंड बर्न, इन्फेक्टेड प्लांट पत्तियां फ्रूट्स को स्टेम जहां भी दिखाई दे तो काट के जला देना चाहिए, दबा देना चाहिए। फिर स्प्रे ऑफ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.01% एट 10 डेज इंटरवल, दो तीन छिड़काव 1% टेट्रासाइक्लिन का या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का 10 डेज के इंटरवल पे दो तीन छिड़काव कर देना, जब सिम्टम दिखाई देना शुरू करे उसको आप स्प्रे कर देना चाहिए। नेक्स्ट है कि स्प्रे ऑफ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर इज मोस्ट इफेक्टिव। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की दवा ले लीजिए 2 ग्राम पानी में पर लीटर ऑफ वाटर हिसाब से रेशियो बना के स्प्रे कर दीजिए, इससे भी बैक्टीरिया बड़े पैमाने पर कंट्रोल होता है। तो बच्चों जो आज का टॉपिक है आपका बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ बी काजल होता है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथवार फैसलोई, राइट। सो माई चैनल इज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।
थैंक यू।